नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन क्या होता है और ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन क्यों आता है और ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन रिमूव करने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो यदि आपका कोई ट्रेडमार्क है जिसे आप ऑब्जेक्शन के तहत रिमूव कराना चाहते हैं तो उसपे क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, किन सारी चीजों के बारे में, तो हम बहुत डिटेल चीज लेके आए हैं आप लोगों के समक्ष। और इस टॉपिक पे जो चर्चा करने वाले हैं वो है हमारे साथ अर्पित जी, जो कि एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन पे। अर्पित जी आपका स्वागत है। अर्पित जी थोड़ा बताएं कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन पहली बात ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है, और जो अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री को ये लगता है कि आपका ट्रेडमार्क सिमिलर है या जो आपने प्रोडक्ट की कैटेगरी डाली है, डिस्क्रिप्शन डाली है, उससे डिस्टिंक्टिव नहीं है, अलग नहीं है, तो वो ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन डाल देता है। अब जैसे इसमें दो सेक्शंस में हमारे पास ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन आता है, सेक्शन 9 और सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 ये बोलता है कि अगर आपका ट्रेडमार्क सुनने में या उसकी जो स्पेलिंग है या उसका जो वर्ड है वो सब कुछ एक जैसा है, वो सिमिलर है एक्जिस्टिंग ट्रेडमार्क से, तो आपको ऑब्जेक्शन डाल देता है। या सेक्शन 9 में ये देता है कि अगर आपका कोई ट्रेडमार्क है और वो किसी भी एंगल में जो आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डाली है उसको डिपिक्ट नहीं कर रहा है तो आपको ऑब्जेक्शन डाल दिया जाएगा। तो इसका ये ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन ट्रेडमार्क रजिस्ट्री डालता है, कोई भी नॉर्मल पर्सन ऑब्जेक्शन नहीं डालता। ओके, थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए कि जैसे लोगों के मन में भ्रांतियां होती है कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन किन किन चीजों को लेके आता है। जैसे आपने बताया सेक्शन 9 और सेक्शन 11 के अंदर एक तरीके से ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन आता है ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट से, तो ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट से जो ऑब्जेक्शन आता है पहली चीज तो ये कि कितने टाइम बाद आ जाता है। दूसरी बात ये कि हाँ जी अगर सेक्शन 9 और 11 के तहत आता है तो 9 और 11 कहते क्या है ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन को लेकर। सर जो ट्रेडमार्क में जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो विद इन 30 डेज एज पर द लॉ हमारे पास एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है, और उसी एग्जामिनेशन रिपोर्ट में या तो आपका ट्रेडमार्क ऑब्जेक्टेड होगा या ट्रेडमार्क एक्सेप्टेड होगा। अगर आपका ट्रेडमार्क ऑब्जेक्टेड हुआ तो विद इन 30 डेज ऑफ द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन आपको पता चल जाएगा कि आपका ट्रेडमार्क क्यों ऑब्जेक्टेड हुआ, या तो सर वो सिमिलर ट्रेडमार्क होगा। तो सेक्शन 11 डिफेक्ट द सिमिलर ट्रेडमार्क कि आपका जो ट्रेडमार्क है, जैसे हमने सर समझ लीजिए, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एडिडास का, और एडिडास एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड एक ब्रांड है, एक वेल नोन एस्टैब्लिश ब्रांड है, और हम लोग एडिडास अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक तो स्पेलिंग भी हो सकता है कि उसकी सिमिलर हो या सुनने में जैसा लग रहा है, तो फिनेटिक्स बहुत मैटर करता है ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क में ये चीज सेक्शन 11 के अंदर आती है कि जो हमारा ट्रेडमार्क है वो एग्जिस्टिंग किसी ब्रांड से सिमिलर। या आता है सर सेक्शन 9 के अंदर, सेक्शन 9 के अंदर जैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एडिडास मसाले, लेट सपोज एडिडास मसाले, और उसके अंदर हम कैटेगरी डाल रहे हैं कपड़ों की, क्लोथ्स की, तो कहीं ना कहीं जो हमारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है और जो हमारा ब्रांड नेम है वो दोनों मेल नहीं खा रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्शन आती है हमारी सेक्शन 9 के अंदर। और सेक्शन 9 और सेक्शन 11 आप ये दोनों चीजें देख लीजिए कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल आपके ट्रेडमार्क के ऑब्जेक्शन होते हैं, और इसके जो रिप्लाईज हमें लोगों को देने पड़ते हैं या हम लोग जो इसके ड्राफ्टिंग करते हैं इट इज वेरी टेक्निकल, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्शन में आपको ये चीज क्लियर करना पड़ता है कि जो ट्रेडमार्क रजिस्टर आपने अप्लाई किया है आपको क्यों मिलना चाहिए और क्यों इसको ऑब्जेक्टेड जो स्टेटस है वो हट जाना चाहिए। अच्छा, तो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जब हम ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि लोगों में बड़ी टेंशन हो जाती है कि हाँ जी हमको डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ गया, ठीक है हमारा ट्रेडमार्क ऑब्जेक्टेड हो गया। ठीक है, कई बार तो लोग ऐसे होते हैं कि हाँ जी बिल्कुल लास्ट समय पे हमको बोल रहे होते हैं कि हाँ जी हमारी हेयरिंग करा दो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? सर देखिए, जब हम लोग किसी भी लीगल ड्राफ्टिंग में जाते हैं सबसे पहले हमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन को बिल्कुल कंप्लीट करना है। सबसे पहले जो हमारा लोगो है या जो हमारी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन है उसको बहुत थरली हम लोगों को चेक करना है कि उसमें हमने कुछ गलतियां तो नहीं की। अगर हमने उसमें कुछ गलतियां करी है तो हमें ट्रेडमार्क में मॉडिफिकेशन करनी। दूसरी चीज, अगर हम लोग वो ट्रेडमार्क बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं तो उसके हमें यूसेज के इनवॉइसेस चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ चाहिए। तो लेट सपोज मैं ट्रेडमार्क आज अप्लाई कर रहा हूं 2022 में बैठ के, और मैं ट्रेडमार्क 2016 से 2017 से यूज कर रहा था, तो मेरे को 2016 या 2017 से वो डॉक्यूमेंट चाहिए कि हम उसको यूज कर रहे थे डॉक्यूमेंट उस ट्रेडमार्क। सबसे पहली चीज ये।
दूसरी चीज, अगर हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसे प्रूफ चाहिए होंगे, कुछ ऐसी डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस चाहिए होगी कि जो हमारा प्रोस्पेक्टिव बिजनेस है। सर हम लोग ज्यादातर ट्रेडमार्क प्रपोज टू बी यूज भी करते हैं कि हम ये ट्रेडमार्क को बाद में यूज करेंगे, अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे, और जब हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, जब भी हम उसको यूज करेंगे तो उसके जो बेनिफिट होगा वो नॉर्मल पब्लिक एट लार्ज और इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट देगा। तो हमें उसके कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होंगे जिससे ये पता लगा पाए कि जो भी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं, जो भी हम ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है पर्सनली भी और पब्लिक एट लार्ज भी, तो इसलिए ये ट्रेडमार्क हम लोगों को मिलना चाहिए। ओके, और सबसे बड़ी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि कोई बंदा जैसे सपोज अगर ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन आ जाती है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, वो एक तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट भी करा जा सकता है, जरूरी नहीं है हर केस एक जैसा हो। तो मैं ये चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे सपोज नोटिस आता है तो किन चीजों का ध्यान रखे कोई इंसान अगर ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन का नोटिस आता है। सर देखिए, जैसे आपने बोला बिल्कुल सही बोला है कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के नोटिस से डरना नहीं चाहिए। नॉर्मल अगर एक बिजनेसमैन होता है तो कहीं ना कहीं वो घबरा जाता है, नया बिजनेसमैन तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि यार अभी तो बिजनेस स्टार्ट ही किया है, ट्रेडमार्क अप्लाई किया और सरकारी चिट्ठी आ गई, तो सरकारी चिट्ठी से सब लोग डरते हैं, पर ये चिट्ठी से डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आपका ट्रेडमार्क ऑब्जेक्टेड हुआ है और आप इसको बिल्कुल फाइट कर सकते हैं, इट इज योर इनहेरिट राइट, आपके पास ये पूरा का पूरा अधिकार है कि आप उसको फाइट करें। और जब भी आप कोई भी लीगल प्रोसीडिंग फाइट करते हैं, ट्रेडमार्क की हियरिंग वगैरह फाइट करते हैं, ये चीजों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो आपका ट्रेडमार्क एजेंट है या ट्रेडमार्क जो अटॉर्नी है उसको आप प्रॉपर सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर डिस्कस करें उनको। सबसे पहले तो आप ये चीज बताइए कि क्यों आपको ये ट्रेडमार्क जरूरी चाहिए, जो आपका इंटेंशन है वो चीज उन तक पता होना चाहिए। सबसे जैसे मैंने ट्रेडमार्क अटॉर्नी और ट्रेडमार्क एजेंट की बात करी तो आपको सबसे पहले कहीं ना कहीं प्रोफेशनल को हायर करना होगा जो आपको ये सारी चीजें करें और जो इन्हें वेल बस्ड हो। दूसरी चीज सर ये है कि जब भी आप एक ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन का जो भी चिट्ठी आती है आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ें कि उसमें लिखा क्या है, आपके कौन से सेक्शन में आपको ऑब्जेक्शन आई है, वो सेक्शन या वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपको बोलता क्या है। आप हो सकता है कि सर आपके में कोई ऑब्जेक्शन ना ही हो, आपको मॉडिफिकेशन करनी हो, तो वो उस मॉडिफिकेशन अगर आप कर देते हैं तो भी आपकी ऑब्जेक्शंस हट जाती है। तो आपको ये चीज देखनी चाहिए कि जो भी अगर आपकी कोई ऑब्जेक्शन आई है तो उसको एग्जामिनेशन रिपोर्ट को आप ध्यान से पढ़ें, उस चिट्ठी से घबराइए मत, अपने प्रोफेशनल के पास जाइए जो आपको इस चीज में गाइड करेगा, और अगर उसको फाइट करने की थोड़ी सी भी चांसेस होंगी, 1% चांस भी अगर आपके पास है तो आप इसको बिल्कुल फाइट कीजिए, आप अपने बिजनेस को यूज कीजिए, आप ट्रेडमार्क में अपने ट्रेडमार्क को बिजनेस के अंदर यूज कीजिए, क्योंकि उसी ट्रेडमार्क से आपको कहीं ना कहीं वो प्लस पॉइंट या वो बेनिफिट आगे जाके मिलेंगे जो अभी आपने सोचा था कि उस ब्रांड नेम से आप बना सकते। एक चीज और पूछूंगा अर्पित जी, ये बताइए कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन आने के बाद लोग क्या करते हैं, कई बार कोशिश करते हैं कि हां जी ये तो हम खुद ही रिमूव कर लेंगे, ठीक है, इधर उधर से यूट्यूब पे या इधर उधर से वीडियो देख के वो अपना काम और खराब कर लेते हैं, उस चीज में क्या होना चाहिए लोगों के दिमाग के लिए, क्योंकि कई बार फिर उसके बाद जो सिचुएशन आती है, क्योंकि वो कोशिश तो करते हैं, क्योंकि हर कोई इंसान कोशिश करता है पैसे बचाने की कि हां जी नुक्कड़ से सब्जी ले आता हूँ, 2 रुपए बच जाएंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। अब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि ये वो वाला केस है नहीं कि हां जी जहाँ सब्जी थोड़ी सस्ती मिल जाएगी या खुद एडजस्ट कर लिया जाए, ऐसे में बहुत ज्यादा भयावर परिणाम हो सकते हैं, तो वो भयावर परिणाम के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि लोग अपना दिमाग कई बार ज्यादा यूज करने की कोशिश करते हैं, और जिसमें क्योंकि एक टेक्नोलॉजिकल केस होता है अगर देखा जाए तो, इसे एक तरीके से कंसल्टेंट ही सही कर सकता है, उस पर थोड़ी सी आप लाइट डालें। सर जैसे आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, अगर हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोग डॉक्टर के पास ही जाना प्रेफर करते हैं, हम लोग खुद डॉक्टर बेशक बन जाएं, आजकल हम लोग बन भी जाते हैं गूगल से, यूट्यूब से और सारी कुछ वीडियोस देख के या कुछ हम किसी से आसपास पता करके, पर जब कोई भी और मेजर चीज होती है तो हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं। तो ट्रेडमार्क का जो ऑब्जेक्शन है या मेजर चीज ही माने, आप इसको ये मत देखिए कि एक रिप्लाई तो है, हम लोग फाइल कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, आजकल ऑनलाइन में सब कॉपी पेस्टेड होता है, सब कुछ मिल जाता है, पर ऐसा नहीं है। कोई भी ट्रेडमार्क का रिप्लाई, कोई भी अगर हम ट्रेडमार्क का रिप्लाई फाइल कर रहे हैं या कुछ भी फाइल कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीजें हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए कि एक इट इज अ लीगल प्रोसीडिंग, इट इज अ टेक्निकल थिंग जो एक
प्रोफेशनल जितना भी हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, जितनी भी हम लोग स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ जजमेंट्स पढ़ते हैं, उसके बाद हमें समझ में आती है कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन में ये चीज था और ये चीज होनी चाहिए। तो हमें ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि सर कोई भी अगर आपको खुद पैसे बचाने हैं तो सर आप पैसे बिल्कुल बचा सकते हैं, इट्स योर हार्ड अर्न्ड मनी, पर ये चीजें आपको कल को बैकफायर भी कर सकती हैं। आई हैव मेनी ऑफ द केसेस जहां पे आप ये मान के चलिए कि आपने 10-20 रुपए बचाने के चक्कर में आपको कहीं ना कहीं 1-1.5 लाख रुपए की पेनल्टी लग, तो वो चीज आपको एक वो पेनी सेव करनी है बट आपको पेनी इन्वेस्ट भी करनी है, इट इज योर इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ट्रेडमार्क एक ऐसी चीज है आप आज मेहनत करते हैं और आपको उसका फल कहीं ना कहीं 5 साल बाद 10 साल बाद मिलता है। तो यू हैव टू हैव योर लॉन्ग टर्म विजन, आपके पास वो विजन होना चाहिए कि आपको वो ब्रांड को आप कहां से कहां तक लेके जाना चाहते हैं। ओके, थोड़ा सा सर मुझे ये भी बताइए कि जैसे ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन आता है, ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के बाद एक हियरिंग का प्रोसेस होता है, वो क्या होता है? सर देखिए, ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के बाद जैसे हम लोग उसका रिप्लाई फाइल करते हैं विदिन 60 डेज, हमें 60 दिन के अंदर अंदर और हमें लोगों को ट्रेडमार्क रिप्लाई, वो ऑब्जेक्शन का रिप्लाई फाइल करना है। अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री उस रिप्लाई से सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो हमारा ट्रेडमार्क एक्सेप्ट कर देती है, लेकिन अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उनको लगता है कि नहीं अभी भी कुछ डिस्कशन बाकी है, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ छोटी छोटी न्यूएंसेस हैं, इसको एक बार हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं, तो वो बात करने का प्रोसीजर हियरिंग मोड। अब ये कोई सर ऐसी हियरिंग नहीं है जैसे आप आजकल पिक्चर्स में दिखाते हैं कि कोई कोर्ट है, कोई जजमेंट है, बिल्कुल ऐसा है, पर लेकिन इट इज मोर ऑफ अ सिंपलर काइंड ऑफ थिंग, पर कहीं ना कहीं इसमें लीगल प्रोसीडिंग है, तो सर वो चीज जो एक जो ड्यू डिलीजेंस है वो सारी चीजें रहती है, वो कंप्लाइंसेस हमें ड्यूली फाइल करने, बट कहीं ना कहीं वो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, वो लीगल प्रोसीडिंग्स में हम लोगों को अपीयर होना है, उस हियरिंग में अपीयर होना है, हमें बताना है कि ये ट्रेडमार्क हमें क्यों मिलना चाहिए, क्यों हमने इसमें इतनी मेहनत करी है और क्यों इसमें थोड़ा बहुत है, कुछ चांस है अगर किसी प्रोफेशनल को लगता है कि हम इसको फाइट करके हम इसको ले सकते हैं। थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं अर्पित जी कि अगर जैसे सपोज ट्रेडमार्क अप्रूव हो जाता है तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, आर ट्रेडमार्क और टीएम ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंस होता है? सर टीएम मतलब की है ट्रेडमार्क अप्लाइड फॉर, हमने ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया है, जिस दिन से हम लोग ट्रेडमार्क अप्लाई कर देते हैं उस दिन से हम लोग टीएम लिख सकते हैं, और जिस दिन से हम लोगों के पास ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है वहां उस डे से हम लोग आर लगा के अपने ट्रेडमार्क को यूज कर सकते हैं। तो ट्रेडमार्क में सर टीएम और आर का बहुत सिंपल चीज है कि ट्रेडमार्क टीएम अप्लाइड फॉर, हमने अप्लाई कर रखा है, हमें मिला नहीं है, और आर का मतलब है ट्रेडमार्क में हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो चुका है, और जिस दिन से हमारा ट्रेडमार्क हमारे पास ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा उसी दिन से हम लोगों के पास हम लोग आर लगा के अपने ट्रेडमार्क को प्रमोट कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा ये भी बताइए कि जैसे ट्रेडमार्क कई बार लोग अप्लाई कर देते हैं फिर बोलते हैं कि हाँ जी ट्रेडमार्क जब नोटिस आ जाता है तो बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो ऐसे में जो फीस होती है ट्रेडमार्क की वो तो ऑब्वियस ही बात है कि शायद खत्म ही हो जाती है, ठीक है, तो अगर वो दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं देन उस केस में क्या करना चाहिए या किस तरीके से जाना चाहिए? सर देखिए, एक बार ट्रेडमार्क में अगर ट्रेडमार्क में कोई भी रिफंड की कोई पॉलिसी नहीं है, तो अगर हमने 4500 रुपीज या 9000 रुपीज को भी पे किया है, 5000 रुपीज 10000 रुपीज कुछ भी पे किया है तो वो वापस नहीं मिलता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्शन आता है, छोड़ देते, तो छोड़ना इज नॉट अ सोल्यूशन। आप अपने ब्रांड को छोड़ रहे हैं, आपने पैसे उनमें इन्वेस्ट किए, आपने कुछ प्लानिंग करी होगी, लोगो बनाया होगा, लोगो डिजाइनर को पैसे दिए होंगे, सारी चीजें करी, तो वो सारी चीजें आपकी मान के चलिए कि आपकी आप वो छोड़ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आपको उसको फाइट करना चाहिए, इट इज योर राइट। और अगर आप छोड़ भी देते हैं, कल को आप दूसरा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि आप कब एक नाम पे एक्स नाम पे आपने आज अप्लाई किया है और एक्स नाम पे आप 2 दिन बाद अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका दूसरा वाला भी ऑब्जेक्टेड ही हो क्योंकि आपने ऑलरेडी सेम नाम से अप्लाई कर रखा है। तो ये चीज मानिए कि अगर आपको दूसरा ही अप्लाई करना है तो आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कीजिए, आप कोई ऐसा नाम ढूंढ के लगे आइए जो कहीं ना कहीं कभी भी कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ भी ऐसा चीज करिए जहां से आपको यह ना पता चले कि आपने कुछ थोड़ी सी बहुत मॉडिफिकेशन अगर आपने कर दी तो आपके बिजनेस में एक सिग्निफिकेंट चेंज आ सकता है।
तो ये ट्रेडमार्क में आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, कोई भी आप अगर ट्रेडमार्क आज अप्लाई कर रहे हो और उसका सेम ट्रेडमार्क आप दो दिन बाद अप्लाई कर रहे हो तो दूसरा भी ट्रेडमार्क ऑब्जेक्टेड ही होगा। ओके, थोड़ा सा मुझे रिन्यूअल के बारे में भी बताएं कि ट्रेडमार्क रिन्यूअल क्या होता है और किस तरीके से लिया जा सकता है। सर देखिए, ट्रेडमार्क जो रिन्यूअल का प्रोसेस है वो 10 साल बाद शुरू होता है। जो भी ट्रेडमार्क अगर आप यूज कर रहे हैं और 10 साल से आप उसको यूज कर रहे हैं, तो जब एक बार ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके 10 साल तक आपको कोई रिन्यूअल नहीं कराना, तो 10 साल के बाद आपको रिन्यूअल फीस पे करनी रहती है और आपका फिर आपका ट्रेडमार्क 10 साल के लिए अप्रूवल बढ़ जाता है। तो ये चीज आप मान के चलिए कि कोई भी ट्रेडमार्क जो आप अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी ट्रेडमार्क जो आप यूज कर रहे हैं, आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि उसका रिन्यूअल का समय कब खत्म हो रहा है। जिसका ट्रेडमार्क अगर आपने सर इतनी मेहनत करी है और आपका ट्रेडमार्क 10 साल के बाद लैप्स हो जाए, खत्म हो जाए, अबैंडन हो जाए, तो कोई फायदा नहीं है। आपने इतनी मेहनत करी 10 साल ब्रांड बनाने में और आपका ब्रांड शुरू हो गया, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि वो जो ब्रांड आपने अगर साल भर में आप कितना ही खर्चा किया, 1000 रुपए, अब 1000 रुपए अगर आप खर्चा कर रहे हैं ऑन योर ब्रांड जो आपको कहीं ना कहीं लाखों या करोड़ों रुपए कमा के देगा, तो आपको उतना उसमें रिन्यूअल करना पड़ता है। ओके, तो थोड़ा सा सर मुझे ये भी बताइए कि अगर ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन को लेके किसी के बीच में कोई भी क्वेरी हो या कोई भी संशय हो उनके मन में कि हाँ जी इस तरीके की हमारे एक तरीके से ऑब्जेक्शन आ गया है, तो उसको तुरंत क्या करना चाहिए ऐसे केस में? सर सबसे पहले तो सर उनको अपने प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, और अगर उन्होंने कोई प्रोफेशनल नहीं हायर किया है तो उनको अपने प्रोफेशनल को हायर करना चाहिए। आपके ट्रेडमार्क में एक मॉडिफिकेशन होगी जिसमें वो ट्रेडमार्क अटॉर्नी या एजेंट हायर लिंक्ड होंगे। उसके बाद आपको विदिन द टाइम लिमिट आपको वो ट्रेडमार्क की ऑब्जेक्शन का रिप्लाई देना है। अगर आप ट्रेडमार्क को ऑब्जेक्शन का रिप्लाई नहीं देते हैं तो आपको वो कहीं ना कहीं बैकफायर करेगा, तो आपको ट्रेडमार्क का आप रिप्लाई दीजिए। ट्रेडमार्क के रिप्लाई देने के बाद आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आपके, उसके पास सॉफ्ट कॉपी भी रहे और हार्ड कॉपी भी रहे, ताकि आप अपने प्रोफेशनल को वो चीज दिखा सकें कि हमारे पास ये सब डॉक्यूमेंटेशन है और इस तरह केस हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो जैसे कि अर्पित जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से सारा विवरण दिया, अगर दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन को, तो मैं सिर्फ आपसे यही बोलूंगा कि किसी अच्छे प्रोफेशनल को हायर करें, सस्ते के चक्कर में ना जाएं, क्योंकि आप पहले से ही 4500 रुपए तो सरकारी फीस दे चुके हैं और कई बार तो ये सरकारी फीस ज्यादा बढ़ जाती है अगर आपने किसी कंपनी के नाम पर ट्रेडमार्क कराया या किसी और तरीके से। इसके अलावा आप कंसल्टेंट की फीस भी दे चुके होते हैं, और तीसरी बात यह कि आपका ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होता है, जिस पर आप बहुत टाइम से बहुत तरीके से मेहनत कर रहे होते हैं और कर चुके होते हैं अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश। तो आप अगर अपने ट्रेडमार्क को ऑब्जेक्शन में छोड़ रहे हैं या किसी भी तरीके से डीले करके बिल्कुल बीच में छोड़ के लेफ्ट ओवर कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी दिक्कत है और बहुत बड़ी परेशानी सिद्ध हो सकती है बाद में। तो यही हमें आ रही आपसे अपील है, अगर आपका कोई भी ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन को लेके क्वेश्चन है, प्रश्न है, कंसल्टेंसी किसी तरीके की आपकी है, कुछ लेना चाहते हैं या कोई भी चीज है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच अर्पित जी। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।